कर लो, इसको लेकर के विधानसभा में काफी असर पड़ने वाला है। देख तो रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के यूनिट, पूरे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के मतदाता सब भरत भैया के साथ खड़े हो गए हैं। और मेरी जो प्रतिबद्धता है, जो मेरा इस इलाके के प्रति विकास का संकल्प है, उसी को पूरा करने के लिए मैं इस चुनाव मैदान में आया हूँ। इस समय हम लोग मधुबन विधानसभा में मौजूद हैं। कई दिनों से हमारी तलाश थी एक ऐसे प्रत्याशी की जो कभी भाजपा में हुआ करते थे, लेकिन अब इस समय वो बागी होकर के दूसरे पार्टी में आ गए हैं और उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिस पार्टी का नाम है वीआईपी। उस पार्टी से लड़ रहे हैं, उसके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई थी और काफी इनकी प्रशंसा कर रहे थे वो। और दुर्भाग्य यह रहा कि इनसे हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इनका विभाग दौर बहुत ज्यादा था, कई क्षेत्रों में इनका कार्यक्रम चल रहा था। कभी हम लोग माटी छिपा जाते थे तो पता चलता था कि भरत भैया तो द्वारी घाट चले गए, द्वारी घाट जाते थे तो पता चला कि तो चले गए मधुबन के तरफ। तो इस तरह के भाग दौड़ के बीच आज ये हमसे मिले हैं मधुबन में और बहुत मुश्किल से अभी भी कहीं निकल रहे थे। इनसे हम पर्चे जान लेते हैं। सर, आप अपना पर्चे हमारे चैनल के माध्यम से भरत भैया बहुत मुश्किल से पकड़ा हुआ जनपद मऊ पार्टी का उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में इस लोकतंत्र के महापर्व में इस इलाके के विकास के लिए। भैया, इस समय आप बहुत ही मधुबन विधानसभा में बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, यानी कहीं जाइए तो भरत भैया का एक नाम जरूर आ जाता है। क्या क्या कारण है? एक राजनीतिक व्यक्ति का यही पूंजी है कि हम लोकतंत्र में जन सामान्य के दिल में और दिमाग में रहे और चर्चा में रहे। ये मेरे समर्थन का, जनता के प्रति मेरे सेवा का और कहीं न कहीं मेरे नेतृत्व के प्रति जनता के मन में जो विश्वास है उसी का परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है। सर, टिकट आपको मिलने वाला था, लोग जो आपके समर्थक हैं काफी उत्साहित थे कि भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलने वाला है, टिकट मिल भी जाएगा। लेकिन आए न मौके पर देखने को मिला कि कोई एक जो है कि बिहार के राज्यपाल के एक लड़के हैं और उनको यहाँ से टिकट दे दिया गया। क्या लगता है सर, ऐसा क्यों होता है? सर, देखने को आता है कि 2017 में भी ऐसा ही हुआ, दल बदल करके आए हुए एक व्यक्ति को टिकट दिया गया जिन्होंने अभी मुखापस होकर के दूसरे दल का दामन थाम लिए हैं, दूसरी विधानसभा पर चले गए माननीय दारा सिंह चौहान। बड़ा विरोध उनका भी है। और इस बार जैसे लग रहा था कि पार्टी नेतृत्व पिछली बार के बाद इस बार जरूर अच्छा निर्णय लेगा और कार्यकर्ता और लाखों जन भावनाओं का सम्मान, मैं बहुत समर्पण भाव से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से बिना किसी पद की अपेक्षा किए हुए, बिना किसी लोभ और लालच का हम लोग पार्टी के नीतियों से, पार्टी के कार्यक्रमों को अपने समर्पण भाव से लाखों लोगों के बीच में लेकर गए हैं। हजारों युवकों को खड़ा किया पार्टी के साथ, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हो गई और पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो पूर्वांचल की कई सीटों को प्रभावित करने हराने के लिए योजना बना रहा है। इसी का यह परिणाम है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का टिकट कट गया और एक वंशवाद के आधार पर ऐसे व्यक्ति के बेटे को टिकट दिया गया जो महामहिम राज्यपाल की कुर्सी पर बिहार में आसीन है और उनका बेटा इस विधानसभा में पुतला के रूप में घूम रहा है। वह विधानसभा के एक दर्जन गांव को जानता भी नहीं है और न सब आदमी को पहचानता है, न सब आदमी का नाम जानता है। ऐसे रामविलास चौहान को भारतीय जनता पार्टी, इसका असर तो पड़ेगा सर, इसको लेकर के विधानसभा में काफी असर पड़ने वाला है। देख तो रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट, पूरे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मतदाता सब भरत भैया के साथ खड़े हो गए हैं। और मेरी जो प्रतिबद्धता है, जो मेरा इस इलाके के प्रति विकास का संकल्प है, उसी को पूरा करने के लिए मैं इस चुनाव मैदान में आया हूं। मैं वीआईपी पार्टी के मुखिया माननीय संतोष साहनी जी और बिहार सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री, उत्तर भारत के भविष्य मुकेश साहनी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने नाव निशान के द्वारा मुझे चुनाव मैदान में सहयोग का समर्थन देने का और अपना सिंबल देने का आशीर्वाद दिया है। उनके प्रति इस मधुबन की शहीदी धरती के लाखों जनमानस के प्रति, जनमानस की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपको भरोसा देता हूं कि मधुबन की जनता अपने विकास के लिए, कटान पीड़ित अपने कटान मुक्त होने के लिए, अग्नि पीड़ित अपने समस्याओं के समाधान के लिए, लाखों जनमानस जो झुग्गी झोपड़ी घास और टीन शेड और प्लास्टिक डाल करके रहते हैं वो अपने मकान के छत के लिए और शासन की योजनाएं, प्रशासनिक
अधिकारियों के पूरे अमलों के साथ चौपाल लगा करके गांव-गांव गरीबों के चौकट पर पहुंचाने के लिए पूरी विधानसभा की जर्जर सड़कों को एक सुंदर और चमकती हुई सड़कें बनाने के लिए और इस देवरांचल और मधुबनी इलाके में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा करने के लिए भरत भैया को अपना विधायक बनाना चाहते हैं। सर, बहुत कमजोर नब्ज पे आप हाथ डाले हैं, बहुत बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हैं। आप कटान पीड़ितों की बात आपने किया और कटान में बहुत क्षति हुआ, हजारों एकड़ जमीनें बह गई। वहाँ पे भी लोग आप ही का नाम ले रहे हैं कि उस समय जब कटान का माहौल चल रहा था उस समय आप मौके पर पहुंचे, ये सच्चाई है। तो मैं चुनाव में कोई मुद्दा नहीं पकड़ा, मैं आज 12 साल से इस विधानसभा में शोषित वंचित दलित उपेक्षित और झुग्गी झोपड़ी घास फूस प्लास्टिक में रहने वाले लोगों की सेवा के लिए संकल्पित तो हूँ। मैं बाढ़ के दिनों में भी जनता की सुख दुख समस्याओं में रात दिन खड़ा रहता हूँ। अपने तरफ से समान परिवार का बेटा हूँ, लेकिन अपने तरफ से अपनी पैतृक संपत्तियों को कमजोर करके भी आज गली का समय हो, बाढ़ का समय हो, कोई विपदा का समय हो, बीमारी के समय भी हम लोग लाखों लाखों रुपए धन खर्च के कार्यालय खोल करके उस इस विधानसभा में लगभग 25,000 ऐसी आबादी है जो रोज कमाती रोज खाती है, साई है, नट है, नेटुआ है, मुसहर है, डोम है, बसफोर है, उनके घरों में मैंने राशन से लेकर चावल दाल से लेकर साबुन सैनिटाइजर से लेकर मसाला तेल मार्च से पहुंचाने का काम किया था और मास्क पहुंचाने का काम किया था। क्या संदेश देंगे सर जनता? मैं अपने तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मधुबन विधानसभा की देवतुल्य जनता से उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर अभिवादन करके यह निवेदन करता हूं कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव में यह चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। यह केवल चुनाव नहीं है, यह मधुबन के शहीदी धरती के गरीबों के शोषित के वंचित के नौजवानों के किसानों के और सम्मानित लोगों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है। इस नाते आप लोग 7 मार्च को नौ निशान पर भारी से भारी संख्या में पटन दबाकर अपने मधुबन के लाल को, अपने सेवक को, अपने बेटा को सदन में भेजो। मैं सदन में जाकर के एक ऐसे ही भारत लिखना चाहता हूं, एक ऐसा मधुबन बनाना चाहता हूं जिसको देखने के लिए पूर्वांचल से लोग एक साल बाद आने लगेंगे। तो आपने देखा कि भरत भैया से हमारी बात हो रही थी, इनका चुनाव निशान नाव है। अभी चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी और फिर हम इनसे मिलेंगे। अभी 1 से 2 दिन में फिर इनसे मिलेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि अभी माहौल क्या है। आज की जो माहौल है, वर्तमान माहौल जो दिख रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग कार्यकर्ता और उनके जो पदाधिकारी हैं भरत भैया के साथ देखने को मिल रहे हैं और क्षेत्र में काफी इनका चर्चा है। लेकिन देखना यह है कि क्या यह चर्चा लास्ट चुनाव तक बना रह पा रहा है, इसमें सेंध लग पाता है और कैसे जीतेंगे चुनाव। इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता की ओपिनियन लेंगे और फिर इनसे हम बात करेंगे। और यदि ये चुनाव जीत जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, अगर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव के बाद भी इनसे मिलेंगे कि क्या ये जो दलित और शोषित पिछड़ों की बात करने वाले भरत भैया आज जो हमारे कैमरे पे इन्होंने जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया खटान पीड़ितों को लेकर के और अन्य लोगों जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको लेकर के और जो इनका मुद्दा रहा है, क्या उन मुद्दों पे ये खड़े उतरते हैं या अन्य नेता की तरह ये भी लखनऊ के किसी गलियारे में गुम हो जाते हैं, तो ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन फिर इनसे मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हम जनता की ओपिनियन दिखाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे उत्तम भास्कर के साथ, मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद।